नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अटेंडेंस का रजिस्टर निकाला है ताकि आप कितनी नियमित इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं यह पता चल सके, क्योंकि न्यूज का फैमिली शो है, सबको समझ में आता है, सबको देखना है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और जिन जिन की क्लास लगनी चाहिए उनकी क्लास लगाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज जब चर्चा होगी यूक्रेन और रूस की, तो अपने हिसाब से दुनिया चलाने वालों की क्लास लगेगी। हैं कुछ लोग जिनको लगता है दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए, तो जरा उनकी चर्चा करेंगे। यूएस के प्रेशर में न आने वाले मोदी डिप्लोमेसी का जिक्र होगा। पूरा जोर अमेरिका लगा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो पलक झपकाने को तैयार है। मोदी ने कैसे बाइडेन का जोर नहीं चलने दिया, आज आपको बताएंगे। इसके अलावा आज पाठशाला में आपके लिए बताएंगे यूक्रेन में भारतीयों की पढ़ाई से अनजान नेताओं की क्लास कैसे लगेगी। भारतीय रेल के नए कवच का कंप्लीट चैप्टर, कैसे नरेंद्र मोदी ने दो चलती ट्रेनों को भिड़ा दिया और क्या हुआ वो भी आपको बताऊं। बहुत जबरदस्त खबर है, देखिएगा जरूर आखिर तक। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में डिप्लोमेसी की क्लास। डिप्लोमेसी की क्लास में वो चैप्टर जिसमें अमेरिका को लगता है कि वो जो कहे वही दुनिया को मान लेना चाहिए, दुनिया अमेरिका के हिसाब से चलनी चाहिए। राजा समझते हैं अपने आप, दुनिया के राजा हैं, जो वो बोलेंगे वही होगा। ये अमेरिका को गफलत रही है सालों से, और आज की इस बदली दुनिया में भी उसको लगता है कि यही होना चाहिए, जो हम बोल दिए वो करो। अरे जाओ, जो देश यूक्रेन और रूस के युद्ध में न्यूट्रल हैं उन पर अमेरिका दबाव डालने में जुटा हुआ है। इनमें कुछ देश तो अमेरिका के प्रेशर में आ गए, लेकिन भारत पर दबाव डालना और भारत को झुकाना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका को पूरी कोशिश कर रहा है, हर दाव पेच अपना रहा है अमेरिका कि कैसे भारत साइड में आ जाए हमारे। नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं, पलटने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। हमारी जो सोच है वो वही सोच से चलेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं चलेंगे। ये नया भारत है, अमेरिका के प्रेशर में आने वाला भारत नहीं है, किसी के प्रेशर में आने वाला भारत नहीं। आज हम इसी का चैप्टर खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वोटिंग हुई, और इसमें भी भारत न्यूट्रल रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में आज यूक्रेन युद्ध को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव आया। ये लोग अपने में बैठ के प्रस्ताव खेल रहे हैं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े कि हां भाई जांच हो जानी चाहिए, विरोध में 2 वोट पड़े और 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जिन 32 देशों ने पक्ष में वोट किया उनमें अमेरिका था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे देश शामिल थे, तो पहले भी साथ रहे। जिन 2 देशों ने विरोध में वोट किया उनमें एक तो रूस था, उसको तो होना ही था, और दूसरा देश था इरिट्रिया। जो 13 देश एब्स्टेन रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया उसमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। अब चीन जो है वो अमेरिका की सुनता नहीं, दोनों दुश्मन है इसलिए अमेरिका उनको बोलेगा नहीं। पाकिस्तान अमेरिका के रडार सिस्टम में नहीं है, जान दो इसको, इतना छोटा देश है, फालतू देश है, इससे फर्क पड़ता नहीं। अमेरिका को चिंता यह है कि भारत अगर हमारी तरफ आ गया तो हम मजबूत हो जाएंगे। आज भारत इतना मजबूत है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है कि कैसे यह हमारे साइड आ जाए। यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन में रूस के खिलाफ इस तरह की 4 वोटिंग हो चुकी है। इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के वोटिंग के बारे में आपको बता दिया है। इससे पहले 2 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इमरजेंसी सेशन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव में रूस की कड़ी निंदा की गई और यूक्रेन पर हमला तुरंत बंद करने और सेना वापस लेने की बात कही गई। इस प्रस्ताव में यूएन के 193 देशों में 141 ने रूस के खिलाफ वोट किया, 5 देशों ने रूस के समर्थन में वोट किया और 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 1 मार्च को फिर एक ऐसी सभा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यानी UNHRC, तत्काल बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई कि तुरंत बुलाना चाहिए बैठक या नहीं। इसके समर्थन में 29 देशों ने वोट किया, 5 देशों ने विरोध में किया, भारत ने इस वोटिंग में फिर हिस्सा नहीं लिया।
25 फरवरी यानी हमले के एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 11 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। भारत, चीन और यूएई इससे एब्सटेन रहे, मतलब नहीं शामिल हुए, और रूस ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। रूस के खिलाफ वोट न करने वाले देशों पर अमेरिका कैसे दबाव बनाने में जुटा हुआ है, अब आपको यह बताता हूं। कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने करीब 50 देशों में अपने दूतावासों को एक संदेश दिया। इसके जरिए अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने निर्देश दिए कि वो भारत और यूएई जैसे देशों में जो संबंधित डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करें और यूएन में वोटिंग पर अपना स्टैंड बदलने के लिए कहें, क्योंकि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो किया वो निष्पक्षता नहीं है। ऐसा अमेरिका को लगता है कि आपने अगर उसके साथ वोट नहीं दिया है तो आप न्यूट्रल नहीं है, मतलब अगर आपने एब्सटेन कर लिया आप न्यूट्रल नहीं है, या तो उसके साथ है तो ही सही है, नहीं तो आप विरोध में है, खराब है, और निष्पक्ष भी नहीं हो सकते। इससे ये रूस के कैंप में खड़े दिख रहे हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है, जो इस संघर्ष में हमलावर है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि जो मौका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गवाया उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में न छोड़ें और यूक्रेन का समर्थन करें, यह अमेरिका ने कहा। इस संदेश के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से यह कहा गया कि यह गलती से जारी हो गया। बताइए, गलती से इतने टेंस माहौल में यह जारी हो गया कि अपनी गलती सुधारो और यूक्रेन के साथ आओ, यह गलती से हो गया इनसे, और फिर इन्होंने वापस ले लिया वो संदेश। लेकिन यह साफ लगता है कि यह संदेश भारत जैसे देशों पर दबाव डालने के लिए जानबूझकर जारी किया गया, और इसका असर क्या होता है वो आपको यूएई के एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे अमेरिका ने बोला कि मैंने गलती से कर दिया, लेकिन मैसेज चला गया कि भाई अमेरिका चाह रहा है कि आप अपना स्टैंड बदलिए, नहीं तो दिक्कत होगी, और मैं आपको मौका दे रहा हूं, यह अमेरिका मौका देने वाले चल रहे हैं। अब आप देखिए यूएई का एग्जाम्पल, यूएई ने क्या किया। 25 फरवरी को तब वोटिंग हुई थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी इसकी वोटिंग हुई रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर। जो वोटिंग हुई इसमें यूएई ने इसने एब्सटेन किया, यानी शामिल नहीं हुआ इस वोटिंग। उसके बाद अमेरिका ने एक तरीके से धमका दिया कि सुधारने का मौका दे रहे हैं, और फिर बाद में ये बोला अरे ये धमकी नहीं थी, ये तो हमसे गलती से हो गया, हम वापस ले रहे हैं, मैसेज चला जा चुका था। 2 मार्च को उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएनजीए में वोटिंग हुई, यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, तो यूएई प्रस्ताव के पक्ष में वोट करता है, यानी जो पहले एब्सटेन कर रहा था यूएई, अब वो रशिया के खिलाफ हो गया। समझ रहे हैं आप अमेरिका का गेम, मतलब या तो उसके साथ खड़े रहो, नहीं तो वो आपको डराएगा, धमकाएगा, तमाम तरीके की कोशिशें करेगा कि इधर आओ, और नहीं तो तुम जो है वो मानवता के खिलाफ हो। ये अमेरिका समझाता है, आपको पिछले बार आपको बताया था कि अमेरिका किसी को मानवता के बारे में बोले तो जोर जोर से हंसी आती। अच्छा, एक चीज आपको और याद दिलाता हूं। 3 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों की एक मीटिंग भी बुलाई थी, यानी कल ये मीटिंग बुलाई गई थी, और ये मीटिंग अचानक बुलाई गई। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जापान के पीएम थे किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वाड में यही 4 देश। यूक्रेन संकट के बीच क्वाड की अचानक मीटिंग का कोई मतलब नहीं था, क्यों? क्योंकि क्वाड का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है, और जो यानी चाइना और इस तरफ का जो इलाका है, भारत और ये सारी चीजें, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड बनाया गया, और इसको आप कहिए कि सैन्य वैचारिक संगठन भी नहीं कहा जाता, मतलब इसमें मिलिट्री की चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। लेकिन एक तो यूक्रेन और रशिया इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं है, लेकिन चर्चा वहां अमेरिका ने घुसा दी यूक्रेन संकट की। मतलब अमेरिका की आप दादागिरी देखिए कि जबरदस्ती इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए मीटिंग बुलाई और वहां यूक्रेन का मुद्दा चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपको किसी ने घर पर जबरदस्ती इनवाइट कर लेनी, आना ही होगा,
और आपने कहा मैं नहीं आ सकता या क्या करना है अब ये आज आज बुलाने का क्या मतलब है? नहीं नहीं इसमें उस बात पे चर्चा ही नहीं होगी जिस पे तुम सोच रहे हो कि चर्चा होगी, और आते ही उसी पे चर्चा हो जाए। साफ लगा कि ये भारत पर दबाव बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया तो यूक्रेन के मामले में अमेरिका के साथ पहले से खड़े हैं, अमेरिका तो अपने साथ है ही है भाई। चार देश हैं इसमें, जिस क्वाड की बात हो रही है, क्वाड में चार देश हैं। अब देखिए इसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा इंडिया है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पहले ही साथ हैं, तो आपने किसको, किससे चर्चा करने के लिए बुलाया? इसका मतलब इंडिया से चर्चा करने के लिए बुलाया, बाकी तीन से तो आपकी चर्चा चल ही रही है और वो तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो फिर क्या चर्चा का मतलब था? मतलब ये था कि इंडिया को बुलाओ, कैसे बुलाएं, बात करेंगे तो सुन नहीं रहा है, तो वहां क्वाड में बुला के बात करें। लेकिन अमेरिका इस निष्पक्षता को रूस के सपोर्ट के तौर पर देख रहा है, जो भारत वोट नहीं कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, अमेरिका को खाए जा रहा है अंदर से। ये पुराना वाला भारत लग नहीं रहा जो डर जाए या जिसको जो है आप किसी तरीके से प्रेशराइज कर दें, डरने की बात तो नहीं लेकिन प्रेशराइज कर दें। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का पक्ष लेने के लिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने पर पूरा जोर लगाया। दक्षिण एशिया के एक अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने यह भी कहा कि भारत वास्तव में हमारा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार है और हम उस साझेदारी को महत्व देते हैं। मुझे आशा है कि रूस को जिस आलोचना का सामना करना पड़ा है, अब समय आ गया है कि भारत खुद को रूस से दूर करे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, करवा नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पाए, भारत पर दबाव काम नहीं आया। यूएन में चार बार वोटिंग हुई, चारों बार भारत का एक ही स्टैंड था कि हम नहीं हैं आपके साथ, हम ना यूएस के साथ हैं, ना रशिया के साथ हैं, ना हम यूक्रेन के साथ हैं, हम नहीं आएंगे वोटिंग में। 25 फरवरी पहला वोट पड़ा, उसके बाद 1 मार्च दूसरी वोटिंग हुई जो आपको यूएनएचआरसी की बताई, फिर 2 मार्च को वोटिंग हुई, 2 मार्च को ये यूएनजीओ की जीए की वोटिंग हुई, और फिर 4 मार्च को यानी आज फिर से वोटिंग हुई और ये भी यूएनएचआरसी को हुई। उन चारों वोटिंग में भारत, इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया का एब्सटेन, मतलब क्लियर, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तुम बोलते बोलते थक जाओ, हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे वोट। भारत पर हर तरफ से प्रेशर बना रहे हैं लोग, लेकिन भारत नहीं बदल रहा भाई, ये नया भारत है, सोच लिया ये करना है तो करना है। अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से खुद को दूर करे, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो रूस ही वो देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का सबसे ज्यादा साथ दिया है। यूएन में कम से कम 6 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो से रोका है। उदाहरण देता हूं आपको, 1957 कश्मीर का मुद्दा, यूएन में कश्मीर में अस्थायी तौर पर सेना तैनाती का प्रस्ताव पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका, ब्रिटेन प्रस्ताव लेकर आए, कई देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया, यह रूस था जिसने वीटो लगाया और प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। भारत के साथ खड़ा रहा रूस, उसको धोखा दे दें, छोड़ दें, ये धोखेबाज अमेरिका के लिए। 1961 गोवा का मुद्दा, यूएनएससी में गोवा से भारतीय फौज हटाने का प्रस्ताव पुर्तगाल के कहने पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस प्रस्ताव लेकर आए, रूस ने वीटो लगाकर प्रस्ताव पास नहीं होने दिया, वरना आज गोवा जो है वो भारत का हिस्सा भी नहीं होता शायद, जो इन लोगों की दिमागी खिचड़ी पकती रहती है, सब जगह घुसो और अपने हिसाब से चीजें चलाओ, अमेरिका एंड गैंग। रूस ने भारत का साथ दिया वीटो लगाकर। 1962 कश्मीर मुद्दा, यूएनएससी में आयरलैंड ने कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया, भारत और पाकिस्तान बातचीत से मामला सुलझाएं, इसके लिए प्रस्ताव लाया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने समर्थन किया, रूस ने वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, यूएनएससी में अमेरिका ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया, चीन, जापान, इटली ने इसका समर्थन कर दिया, रूस ने भारत के पक्ष में वीटो लगाया और भारत युद्ध जीता और बांग्लादेश बना। वहां भी दोस्ती किसने निभाई? रूस ने निभाई। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, यूएनएससी में शरणार्थियों की वापसी के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा, रूस ने वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1971 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका लेकर आया, रूस ने वीटो लगाया और भारत का साथ दिया। अमेरिका ने भारत के खिलाफ आए इन सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। अगर रूस हमारा सपोर्ट न करता तो आज इतिहास कुछ और होता, और उस रूस को अमेरिका और उसकी समर्थक मीडिया जो है वो पूरी कहानी को एक तरफा दिखा रही है। दूसरा पक्ष हमने आपको दिखाया था कि कहानी कहां है, क्या है, इनका रोल क्या है, इनका दोष क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन और बाकियों का। और फिर ये चाहते हैं जो ये बोल दें वो दुनिया करे, भारत करे। अमेरिका का रवैया ही हमेशा दोहरा रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स। 1947 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे लगाया, पाकिस्तान को आर्थिक मदद की, उसे खूब हथियार दिए। अमेरिकी हथियारों के दम पर पाकिस्तान खूब फूलता रहा। फिर 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से खूब रकम और हथियार लिए। मैं आपको यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप समझिए कि अमेरिका करता क्या है, उसका खेल समझिए। जैसे ये इंडिया है और इसके पड़ोस में अगर आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान है। अब आप मुझे बताइए, आज जब रशिया क्या बोल रहा है कि आप लोग यूक्रेन को पंप कर रहे थे, उसको हथियार पे हथियार दे रहे थे, मिसाइल पे मिसाइल दे रहे थे, कल को मेरे ऊपर हमला कर देगा या आप उसके जरिए मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मैं क्या करूंगा? ये रूस का अपना स्टैंड है। अब आप इसको इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से देखिए कि पाकिस्तान को अगर आप यूक्रेन मानिए और इंडिया को थोड़ी देर के लिए रशिया मान लीजिए, पाकिस्तान में अमेरिका ने क्या किया? हथियार दिए, आतंकवाद रोकने के नाम पर पैसा दिया, भरपूर पैसा दिया। और उसके बाद भाई रूस जो है वो नहीं हमला समझा, उसने हमला कर दिया। भारत की जो है पॉलिसी रही है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत ने हमला नहीं किया, लेकिन भारत के लिहाज से समझिए, जैसे पाकिस्तान को हथियार और पैसा देकर भारत के खिलाफ जो उसने आतंकवाद फैलाया, जो सारी दूसरी कोशिशें की यहां अस्थिरता पैदा करने की, वो अमेरिका ने सपोर्ट किया एक तरीके से। सेम वही चीज यूक्रेन में वो कर रहा था, तो रशिया ने वहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि भाई मैं नहीं सुनूंगा ये सब। 2002 के बाद से 15 साल में पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने $33 अरब। अब आप सोचिए कितनी बड़ी रकम दी गई और पाकिस्तान उसका कुछ नहीं कर रहा था। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं ये, इतना पैसा आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दे दिया। और उसमें से ज्यादा पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया इस पाकिस्तान ने। और आज अमेरिका ज्ञान दे रहा है आतंकवाद पर। या फिर आप देखिए, अभी जब अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना था तो तालिबान से बात करने के लिए बैकडोर से पाकिस्तान को भी रखा, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का असर था। तालिबान के सत्ता में आने से पाकिस्तान बहुत खुश था, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान में बम फटने लगे। आज पाकिस्तान के पेशावर शहर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ, इसमें 56 लोगों की मौत हो गई जबकि 65 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए। हमलावर ने पहले मस्जिद में घुसकर फायरिंग की और बाद में खुद को धमाके के साथ उड़ा लिया। शुक्रवार का दिन होने की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ थी। मस्जिद में ब्लास्ट उस समय हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और पेशावर से 190 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच चल रहा है। अभी तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। जो काम अमेरिका यूक्रेन में कर रहा है और उसे हथियार देकर रूस से लड़ने के लिए कह रहा है, वही काम अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में किया। समझिए, अमेरिका की यही नीति रही है, हर जगह तहस नहस करके छोड़ दो। वो बच्चा नहीं होता है कि आपने ड्राइंग रूम सरियाया, वो कुशन फेंक देगा, वो सारी चीजें पलट देगा और चला जाएगा और कहेगा अरे वो छुटके ने किया है। अमेरिका की यही हालत है। अफगानिस्तान में रूसी सेना मौजूद थी और रूस को अफगानिस्तान से हटाने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों को खूब हथियार दिए और इसे धर्म की लड़ाई बना दिया, जिहाद उसका नाम दे दिया। दुनिया भर के जिहादी आकर अफगानिस्तान में रूस की सेना से लड़ रहे थे और इन सबको अमेरिका हथियार दे रहा था। 1979 से लेकर 1989 तक करीब 10 साल संघर्ष चला,
लाखों लोग इसमें मारे गए। आखिरकार 1989 में रूस की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की भी परवाह नहीं की, वहां पर 1996 तक गृह युद्ध चलता रहा। इसके बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया वो भुगता किसने? अफगानिस्तान के आसपास के मुल्कों ने, दुनिया ने। ओसामा बिन लादेन जिस बोरा बोरा की पहाड़ियों में रहता था वो कहां थी? बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। अमेरिका का फैलाया हुआ तमाशा होता है ये सब। ये वो रायता है जो अमेरिका फैलाता है और दुनिया समेटती रहती है, और अमेरिका बगल में खड़ा होकर ज्ञान देता है उधर रह गया, उधर भी समेटो। ये कर चुका है पहले, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसको एक पैसे की मोहब्बत नहीं है यूक्रेन से, यूक्रेन के लोगों से। इसका सिर्फ दिमाग चलता है शैतानी दिमाग, कैसे दुनिया में अपने आप को स्थापित करो, अपना एजेंडा स्थापित करो। और इसके सामने एक ही बैरियर इसको लग रहा है कि भारत सुन नहीं रहा। पहले तो सुनता था, आजकल सुनता नहीं, यह दिक्कत आ रही है। आज भी यकीन मानिए अमेरिका का वही रवैया है कि कोई भी देश बर्बाद हो जाए उसे परवाह नहीं है। यूक्रेन का हाल जो भी हो अमेरिका को बिल्कुल फिक्र नहीं है। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडर बन गए। तस्वीर देखिए, राजधानी कीव के बोडयांका इलाके की तस्वीर है। ड्रोन फुटेज से शहर में मची तबाही आपको दिख रही है। इमारतों से धुआं निकल रहा है, सड़कें वीरान है। फिल्मों में आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। अमेरिका वहां बैठकर ज्ञान दे रहा है, वोटिंग वोटिंग खेल रहा है, प्रेशर प्रेशर खेल रहा है, सैंक्शन सैंक्शन खेल रहा है, और यहां लोग मर रहे हैं। तुमको फर्क पड़ता है तो तुम यहां घुसे होते। इराक में तो घुस गए थे तेल लूटने के लिए, यहां कुछ मिलना नहीं है इसलिए घुस नहीं रहे हो, बाहर से सिर्फ पंप कर रहे हो। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन गंगा की अपडेट भी आपको बता देता हूं। पिछले 24 घंटे में भारत न सिर्फ इस पूरे दौरान, भारत अपने स्टैंड पर कायम है मजबूती से, एक एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर जिसकी अपनी सोच है, भारत ने अपनी जगह बनाई हुई है। नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे अमेरिका, तुम जो करते रह जाओ। और पिछले 24 घंटे में ऑपरेशन गंगा, जिसमें छात्रों को और बच्चों को और दूसरे भारतीयों को बचाकर निकाला जा रहा है, 24 घंटे, 18 फ्लाइट्स जो उड़ी हैं बीते 24 घंटे में, और 4000 भारतीय, 4000 लोग वापस लाए गए। यह है भारत की कोशिश। अब तक 48 फ्लाइट्स टोटल आई हैं, 48, और इन 48 में 10000 से ज्यादा, 10K इससे ज्यादा भारतीय वापस आए हैं। अब तक 20,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा है। यूक्रेन से बाहर आने वाले भारतीयों को वापस लाने के लिए अगले 24 घंटे में 16 फ्लाइट्स चलेंगी। 300 भारतीय अभी यूक्रेन के खार्किव में हैं और 700 भारतीय यूक्रेन के सुमी में हैं। इन्हें निकालने की पूरी कोशिश हो रही है, सीज फायर पर पूरा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है और कैसे करता है, यह आज आपको बताना जरूरी था। और कैसे उसकी कोशिशें भारत को प्रेशराइज करने की नहीं चल रही है, ये भी आपको बताना जरूरी था। पाठशालाओं में मैं अब उन नेताओं की क्लास लगाता हूं जो 15-15 साल से किसी राज्य में राज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब पता चल रहा है कि विदेश जाकर छात्र इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता का चैप्टर आज खोल रहा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में नीतीश कुमार बहुत हैरान है। उन्हें अब पता चला कि भारत से बाहर जाकर बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यह बात नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कही। पहले जरा मुख्यमंत्री साहब का बयान सुनिए, फिर थोड़ी क्लास लगेगी। आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में यह बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को। अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब इतना लोग अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो, करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए,
अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए, ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए। श्रीमान नीतीश कुमार जी बिहार में 15 साल से मुख्यमंत्री, और उनको ये पता ही नहीं कि उनके यहां के भी छात्र विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने, और ये बिहार को बदल रहे हैं, सो कॉल्ड बदलाव लाए हैं, ये इनको पता ही नहीं चला कि बिहार के छात्र बाहर जा रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वहां। और बिहार के छात्र, चूंकि नीतीश जी आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, बिहार के छात्र आज से नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बीते 30-35 साल से रूस और यूक्रेन जैसे देशों में जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को इस पर हैरानी हो रही है, और वो अब कह रहे हैं कि इनके बारे में सोचना होगा। बिहार से हर साल कितने छात्र विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं आपको पता है? 700 से 800 छात्र बिहार से, 700 से 800 छात्र सालाना बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ाई करने, और ये छात्र इसलिए बाहर मेडिकल की डिग्री लेने जाते हैं क्योंकि ये यहां मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारी भरकम कैपिटेशन फीस डोनेशन नहीं दे सकते, इसलिए छात्र विदेश में उन जगहों पर पढ़ने चले जाते हैं जहां एडमिशन आसान होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता और फीस भी भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 3 से 4 गुना कम होती है। बिहार में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने अगर जाएंगे तो वहां पर कितनी फीस देनी पड़ती है, आपको दो प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूं, अगर आप इसको देखेंगे, यहां इसको स्क्रीन पर डालिए जरा, अगर आपको दो कॉलेज का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये दो कॉलेज का स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है। अब इसको देखिए, ये पहले कॉलेज का है, यहां पर ट्यूशन फीस जो है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, एमबीबीएस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर ये है कि ट्यूशन फीस 12 लाख रुपए है, ट्यूशन फीस। इसके बाद लाइब्रेरी फीस आती है वो 14,000 रुपए, स्पोर्ट्स फीस आती है 6,000 रुपए, लैब वर्कशॉप फीस 20,000 रुपया, इंटरनल एग्जामिनेशन फी 12,000 रुपया, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फी 15,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 6,000, हॉस्टल चार्ज 50,000, फूड एंड मेस चार्ज 1,00,000 रुपया, डेवलपमेंट चार्ज 1 टाइम 50,000 रुपया और कॉशन मनी 1 टाइम 50,000 रुपया, और ये सब मिला लीजिए तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह आंकड़ा बैठता है, जो फीस है वो आंकड़ा बैठता है 15,23,000 रुपए, 15,23,000 रुपए, इतनी फीस देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री साहब को शायद यह भी नहीं पता होगा, यह हालत है। और दूसरे कॉलेज की बात करूं, एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे यहां ट्यूशन फी कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,00,000 से ज्यादा ट्यूशन फीस ले रहे हैं। हॉस्टल फीस जो है वो करीब जो है 2,00,000 रुपया है, मेस चार्ज 1,20,000 रुपया है, 5 course meal है, 5 course, ट्रांसपोर्टेशन फी 50,000, टोटल फी रुपीज जो है 19,20,000 रुपए। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी है एडजस्टेबल इन सेकेंड ईयर, ये 2,00,000 रुपए। इतना इतना पैसा लग रहा है और आपको मुख्यमंत्री साहब को पता ही नहीं है कि बाहर छात्र पढ़ने जा रहे हैं, तो यह भी नहीं पता होगा कि कितना पैसा लग रहा है। बिहार में कितने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इनमें कितनी सीटें हैं? सरकारी कॉलेज 13 हैं और सीट है 1,390, प्राइवेट कॉलेज 8 हैं, सीट है 1,050। हर साल नीट क्वालिफाई करने वाले छात्र हैं 40 से 50,000। आबादी के हिसाब से ना तो कॉलेज हैं ना सीटें हैं और फीस भी सबके बस की बात नहीं, इसलिए डिग्री के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। बिहार के करीब 550 छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को पता ही नहीं। पूर्वी चंपारण के सबसे ज्यादा 77 छात्र पढ़ रहे हैं, पटना से 65, सीतामढ़ी से 22, गया से 20, नालंदा से 19 छात्र पढ़ रहे हैं, कटिहार से 16, पूर्णिया से 15, खगड़िया से 15, वैशाली से 15 छात्र पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, गोपालगंज से 14, पश्चिमी चंपारण से 14,
समस्तीपुर से 14, मुजफ्फरपुर से 13, बेगूसराय से 11, अररिया के 10 और दरभंगा से 10। मुख्यमंत्री साहब आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया, बिहार में एजुकेशन का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री साहब को यह भी नहीं पता होगा, कोई सिस्टम बन नहीं पाया है। मुख्यमंत्री साहब को यह भी नहीं पता होगा, कोई अच्छी सुविधा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए बाहर जाकर छात्र एडमिशन लेते हैं या फिर तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री साहब को यह भी नहीं पता होगा। सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए बिहार से कितने छात्र निकलते हैं आपको पता है? बिहार से सिविल सेवा की तैयारी के लिए सिर्फ दिल्ली का बता रहा हूं आपको, सिर्फ दिल्ली में 25,000 से 30,000 छात्र आते हैं। मुख्यमंत्री साहब कभी सोचिएगा कि आपने बिहार में क्या बदला है कि इतने छात्रों को बाहर आना पड़ता है सिर्फ तैयारी के लिए। आईआईटी वगैरह की तैयारी के लिए कितने छात्रों को बाहर आना पड़ता है? कोटा जाते हैं करीब 40,000, सिर्फ कोटा का बता रहा हूं, 40,000। मेडिकल की तैयारी के लिए, दिल्ली और दूसरे शहरों में करीब 30,000 से 40,000 छात्र जो हैं वो बाहर जाते हैं बिहार से। करीब करीब आप करने बैठिएगा 40, 40, 80 और 30, 1,00,000 के ऊपर छात्र जो हैं वो हर साल सिर्फ इन तीन तैयारियों के लिए बाहर जा रहे हैं। कितने नौकरी के लिए जा रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ जेई और नीट की तैयारी हर साल 60,000 से 80,000 बच्चे दिल्ली, कोटा, हैदराबाद जैसे शहरों में जाते हैं और हर साल का खर्च है उनका, रहना खाना कोचिंग फीस 2,50,000 रुपए से ज्यादा बैठती है। मुख्यमंत्री साहब को कहां पता होगा, ये तो स्टूडेंट्स की बात है। दूसरे राज्यों में बिहार के प्रवासी कामगारों की बात करूं, 30,00,000 लोग दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, ये जो बिहार के लोग भैया और बिहारी सुनते हैं ना, उसमें आपका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप अनजान हैं या अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि इतने छात्र बेचारे बाहर जा रहे हैं। बिहार को ऐसा बनाइए कि यूक्रेन जाने की जरूरत ना पड़े, सोचिएगा। पाठशाला में अब टेक्नोलॉजी की क्लास। आज रेलवे को एक कवच मिल गया, ऐसा कवच जो जीरो एक्सीडेंट को संभव बनाए। ये कैसा होगा, कैसे होगा, आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, वो ट्रेन के इंजन में ड्राइवर के साथ हैं। दूसरी तरफ उसी ट्रैक पर सामने एक ट्रेन खड़ी है, दोनों ट्रेन के बीच 500 मीटर से भी कम की दूरी है। अब सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने, रेल मंत्री के साथ ये हो रहा है, ड्राइवर चला रहा है और रेल मंत्री ताली ठोक रहे हैं, सोचिए क्यों। ये वीडियो दरअसल उस टेस्टिंग का हिस्सा है जिसके जरिए भारतीय रेल में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर विस्तार से आपको बताता हूं। हेड ऑन कॉलिजन का टेस्ट करते हुए एक लोगों पे वार्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है, 50 का स्पीड, 40। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस ग्रेट, सो बेसिकली सामने लोको खड़ा है। अब आप सोचिए जिस देश में ट्रेन हादसे होते रहे हैं और
और सबसे बड़ा सवाल ये उठता रहा है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ गईं या सामने कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन टकरा गई, उसके लिए ये कवच कितनी बड़ी उपलब्धि है जो इस सरकार में रेल मंत्री खुद उस ट्रेन में बैठकर रिस्क लेते हुए, कवच फेल हुआ तो मंत्री जी भी चले जाते, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, कवच ने ब्रेक लगाया, सामने दिख रहा है ट्रेन दूसरी खड़ी थी, अपने आप उसने ब्रेक लगा दिया, 4 किलोमीटर पहले वार्निंग देनी शुरू की और उसके बाद ब्रेक लगा दिया, टक्कर इसीलिए नहीं हुई। एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यह बनाया गया है और इसका नया नाम जो है या इसका नाम जो दिया गया है इस नई सुरक्षा प्रणाली का, वो नाम है कवच। कवच की टेस्टिंग खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की तेलंगाना के सिकंदराबाद। रेल मंत्री गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के इंजन में सवार हुए, दूसरी तरफ चिठीगुड़ा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के इंजन में रेलवे के चेयरमैन वीके त्रिपाठी रवाना हुए। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने बढ़ने लगी। खतरे को भांपते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली ने 4 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर को वार्निंग दे दी कि सामने से ट्रेन आ रही है और ट्रेन की स्पीड को खुद कम कर दी। भारत में कितने रेल हादसे होते हैं आपको पता है? क्योंकि जब आप ये कवच सुन रहे हैं और आपके साथ हादसा नहीं हुआ है तो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल होता है रेल हादसों का। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए भारत का क्या रहा है और उससे समझिए यह कवच कितना काम आएगा। 2007 से 2014 के बीच जो रेल हादसे वो 1046 हुए, 1046 रेल हादसे और मौत हुई लोगों की 1075 और घायल जो लोग हुए उनकी संख्या थी करीब 2561। 2014 से 2021 के बीच जो हादसे हुए वो हुए 555, पहले ही हादसों की संख्या थोड़ी कम हुई है। मौत हुई 397 और घायल जो हुए वो हुए 1159। तो रेल हादसे की जो संख्या है वो बीते 7 साल में काफी घटी है और मरने वालों का आंकड़ा भी घटा है, ये सुखद है। लेकिन अभी भी हादसे तो हो ही रहे थे, अब वो कवच जो है वो कितना इन हादसों को कम करेगा आप सोचिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। रेल हादसे की वजह से 356 हादसों की जांच चल रही है, रेलवे स्टाफ की गलती, जो स्टाफ की गलती से हादसे हुए, स्टाफ की गलती से जो हादसे हुए वो थे 186 मामले ऐसे जिनमें स्टाफ की गलती नहीं थी, रेलवे स्टाफ के अलावा किसी और की गलती से 123 हादसे हुए, 123 उपकरण की खराबी से 10 हुए और जानबूझकर साजिश के तहत 7 हादसे हुए। कवच पूरी तरह से स्वदेशी है, इसका डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में की गई है। कवच को रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। कवच को टेस्ट करने के लिए आज रेल मंत्री ने खुद 5 तरह के टेस्ट किए और खुद कवच की सुरक्षा को परखा। पहला टेस्ट था जब दो ट्रेन आमने सामने आ जाए, दूसरा टेस्ट था जब एक ट्रेन ट्रैक पर हो और दूसरी ट्रेन पीछे से उसी ट्रैक पर आ रही हो, तीसरा टेस्ट था जब ड्राइवर की गलती से रेड सिग्नल जंप हो जाए, चौथा टेस्ट था जब लूप लाइन पर भी स्पीड ज्यादा हो और पांचवा टेस्ट था जब कोई फाटक आने वाला हो। ये सभी टेस्ट, इन सभी टेस्ट में कवच कामयाब रहा। कवच कितना मजबूत है इसके परखने के लिए एक और टेस्ट किया गया, ये रेयर एंड कोलिजन टेस्ट था जिसमें एक ट्रेन ट्रैक पर थी और दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही थी। खतरे को देखते हुए कवच ने ट्रेन की स्पीड को रोक दिया ताकि टक्कर ना हो। देखिए, सो बेसिकली सामने लोग को खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर। पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया।
मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेकअप लाइन है. जब ट्रेन किसी फाटक से गुजर रही हो तो कवच सिस्टम कैसे काम करेगा इसका भी टेस्ट हुआ. उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम कवच ने खुद हॉर्न बजाकर अलर्ट किया. विसल नहीं नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है. आगे गेट है, रेलवे का दावा है कि कवच दुनिया की सबसे सस्ती ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली. 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की कॉस्ट है. दुनिया में 2 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट बैठती है, यानी भारत में ये सिर्फ 50 लाख, दुनिया में 2 करोड़. बहुत सस्ता, दुनिया से 1.5 करोड़ रुपए की बचत है हर किलोमीटर. कवच सिस्टम को जांचने के लिए लूप लाइन पर भी टेस्ट किया गया. लूप लाइन मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जब ट्रेन जाती है. लूप लाइन में ट्रेन की स्पीड कम होती है, उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रखना होता है. अगर गलती से लूप लाइन में ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो तो कवच स्पीड को कंट्रोल करता है. लूप लाइन का टेस्ट कैसे हुआ और उसमें कैसे कवच खरा उतरा देखिए. टेंशन, आई गेट कम इनर अटेंशन. देखिए लूप लाइन का टेस्ट हो रहा है कि लूप लाइन में गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ये अपने आप ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है लूप लाइन में जाने के पहले. लूप लाइन अभी यहाँ से कितनी दूर है? 465 किलोमीटर दूर है और गाड़ी की स्पीड अपने आप कंट्रोल हो रही है. लूप लाइन में यहाँ पे कितना अलाउड है? 30 पे आप लूप लाइन को क्रॉस कर सकते हैं. ऑटो रेसिंग सेक्टर ड्राइवर साहब बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, बढ़ाइए, नॉस लीजिए, नॉस लीजिए. क्या रिग्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है. अच्छा अच्छा, नॉच ले रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है. कवच लूप लाइन में 30 से ज्यादा स्पीड पे अलाउ नहीं कर रहा है. देखिए ये रेड सिग्नल कवच का जो बता रहा है कि आप इस जितनी ज्यादा स्पीड से है और अपने आप स्पीड को कम कर रहा है. देखिए लूप लाइन में हम क्रॉस कर रहे हैं और अपने आप बिना ड्राइवर के इंटरवेंशन के लूप लाइन की नॉर्मल स्पीड 30 की होती है. उससे ज्यादा अगर स्पीड पे जाएंगे, टर्नआउट है तो एक्सीडेंट के खतरे होते हैं. वो गलती ना हो तो कवच ये सुरक्षा के साथ ले जा रहा है. अब आपके मन में भी प्रश्न होगा कि कवच काम कैसे करता है भाई, कि सब जगह पर सारी परिस्थितियों में काम कर जा रहा है. रेलवे के पूरे सिस्टम में लोको कवच, स्टेशन कवच और सिस्टम कवच लगाया जाता है. इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन चिप लगे होते हैं. ट्रैक पर हर किलोमीटर पर ये चिप लगाए जाते हैं. इस हाईटेक नेटवर्किंग से ट्रेन की पोजिशनिंग, स्पीड और कई तरह की तकनीकी जानकारी जो है वो मेन सर्वर को मिलती रहती है. ट्रेन के इंजन में ही कवच का डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जो आने वाले खतरे के बारे में बताता है, जिससे ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर सिग्नल है या फाटक. मतलब पूरा ऑटोमेटेड है. एक एक चीज की जानकारी सर्वर में जा रही है और वहां से ड्राइवर को पता चल रही है उसके पास जो स्क्रीन है उसका. ट्रेन के अंदर एंटी कोलिजन डिवाइस लगे होते हैं. डिवाइस को सीधे सैटेलाइट से इनपुट मिलता है. एक बार जब कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में सभी ट्रेनों को अलर्ट कर देता है, जिससे हादसे की कोई आशंका नहीं रहती. क्योंकि मन में यह प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि भाई मेरी गाड़ी रुक गई, अगली नहीं रुकी तो वो अगले को भी बताएगा कि भाई यहां यह स्थिति है, तुम भी अलर्ट पर रहो. ये वो वाला है कि अचानक से टीचर ने अगर
क्लास टेस्ट रख दिया है और आप नहीं आए, आपको पता नहीं है, तो आपको फोन करके बताएगा कि सर ने कल क्लास टेस्ट रखा है, पढ़ के आना भैया, तो खुद भी पास होगा, आपको भी पास करवाएगा। ये वैसा दोस्त है। रेलवे सिग्नल पर कवच की सुरक्षा कैसे काम करती है, इसका भी टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान जानबूझकर ड्राइवर ने रेड सिग्नल पर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कवच की सुरक्षा प्रणाली ने ऐसा होने ही नहीं दिया। ट्रेन में किया था, अब इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्पैड का। सिग्नल रेड है और ड्राइवर गलती से अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है। तेलापुर स्टेशन से हम लोग चले हैं अभी। जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है और ये देखे कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है, देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है, आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई, लाल और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि लाल सिग्नल तो ड्राइवर को भी दिख जाता, वो भी रोक ही लेता, इसकी क्या जरूरत थी। कई बार कोहरे और खराब मौसम की वजह से ट्रेन ड्राइवर सिग्नल नहीं देख पाते हैं और ऐसे हालात में हादसे हुए हैं। जब फॉग होता है दिख नहीं रहा है, हादसे कई बार इस वजह से हुए हैं कि रेड सिग्नल नहीं दिखा। ऐसे हालात में कवच काम करेगा और हादसा नहीं होने देगा, क्योंकि आपको दिखे ना दिखे उसका जो सिस्टम है वो तुरंत पकड़ेगा कि आगे रेड सिग्नल हो रखा है और ड्राइवर को पता चले ना चले वो अपने आप ट्रेन को रोक देगा। जबरदस्त सिस्टम है। भारत में रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा रही है, ऐसे में कवच सुरक्षा प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कवच की कहानी भी आपको बताता हूं। कवच का ट्रायल सबसे पहले फरवरी 2016 में शुरू किया गया था, फिर मई 2017 को इसे फाइनल किया गया, इसके बाद एक स्वतंत्र संस्था से भी सेफ्टी ऑडिट किया गया। साल 2018 में रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 110 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेनों के लिए 3 कंपनियों को इस सिस्टम पर काम करने की मंजूरी दी। इसके बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन पर ट्रायल की मंजूरी मिली। 2022 में बजट में ऐलान किया गया कि साल 2022-23 में 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद हर साल 4,000 से 5,000 किलोमीटर के रेल रूट को इसके तहत कवर किया जाएगा। अभी तक साउथ सेंट्रल रेलवे की 65 ट्रेन 1,098 किलोमीटर के रूट पर कवच सिस्टम को लगाया गया। भविष्य में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर में भी कवच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे जैसे ये कवच का सिस्टम बढ़ता जाएगा, देश में फैलता जाएगा, आपको हमको सुरक्षा मिलती जाएगी। 2014 के बाद से रेल हादसे पहले के मुकाबले आधे हो गए। इन हादसों को जीरो करने के लिए कवच का इस्तेमाल होगा। मोदी सरकार में स्पीड सेफ्टी के साथ भारतीय रेलवे पर कैसे काम हो रहा है आपको वो बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अचानक से रातों रात बन गया ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच थी, उन्होंने कहा भी था कि वो चाहते हैं कि जीरो हादसे हों। तो रेलवे को लेकर कैसे काम हुआ है, साल 2017 में रेलवे सेफ्टी इसके लिए बकायदा 1,00,000 करोड़ का फंड दिया गया। 1,00,000 करोड़ का फंड, आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी राशि, और उसका असर जो है वो दिखता है आंकड़ों में जो अभी आपको दिखा रहा था। हर साल 20,000 करोड़ खर्च होना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए 2014 से 2018 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा दिया गया वो था 3,82,000 करोड़।
यानी पैसा खर्च किया गया है तो उसी का नतीजा दिख रहा है। 2009 से 2014 के बीच रेलवे के 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और अब ये 3,82,000 करोड़ है, फर्क बता रहा था। अब खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे ये कवच आएगा हमारे लिए आपके लिए सुरक्षा भी पास आती जाएगी और फोन करके पूछना नहीं पड़ेगा ठीक से पहुंचे कि नहीं। नमस्कार।